ये ऑलरेडी हमने कर लिया, जो शीट नंबर 99 है इसमें चार ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए, ऑलरेडी डन। ईएम वेव जो है वो ट्रेवल कैसे करती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, वेव की प्रोपगेशन एक्स में है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस में, इसलिए पीछे क्या लगा हुआ है, जे कैप। वेव की इक्वेशन प्लस वन के अंदर जो भी साइनोसाइडल वेव्स हैं उसकी इक्वेशन हमने क्या स्टडी की थी, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ भी, वो देने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या देता है। वेव की इक्वेशन हमें तो याद करनी ही होती, न्यूमेरिकल में हमें गिवन होती है, तो हमें वेव की इक्वेशन मान लो ये गिवन है और पीछे क्या लगा के दे रहा है वो जे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस है, पहला पॉइंट क्लियर है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस इक्वेशन के अंदर के का जो भी कोफिशेंट होगा, क्या कोफिशेंट है के का, एक्स, ये आपको हमेशा वेव प्रोपगेशन देगा। वेव प्रोपगेशन यानी कि किस पे है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेव की प्रोपगेशन कहां पर है, एक्स एक्सिस। तो ये आप, अगर ये वाई होता या जेड होता तो जेड एक्सिस। तो जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी वैसी है, ई नॉट की जगह बी नॉट साइन, अंदर का फॉर्मूला इसका भी सेम है, बस फर्क यह है कि जे कैप है और ये के कैप है। तो यहां पर तो एक्स होना ही था क्योंकि वेव की प्रोपगेशन एक्स में है विच इज परपेंडिकुलर टू के कैप, और वेव की प्रोपगेशन एक्स में है विच इज परपेंडिकुलर टू जे कैप। तो ये पॉइंट्स को समझ में आ रहा है। हाँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा जरूर है, के का मतलब प्लस वन में किया था 2π/λ होता है या ओमेगा अपॉन वी भी होता है, यहाँ पर वी की जगह सी लगाना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप यहाँ पर इस के की जगह 2π/λ पुट कर सकते हो, और ओमेगा क्या होता है, 2π × फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से 2π कॉमन निकाल के, ये भी वेव की इक्वेशन है, आपको न्यूमेरिकल इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये याद की हुई है ऊपर वाली, ठीक, आज के न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में आना ही आना है, आपके CBSE से, नीट से लेके मेंस में ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आना ही है। वो आपको ई और बी नहीं देगा इकट्ठे, वो आपको अकेला ई देगा और आप बी खुद निकाल लेंगे। तो अगर आपको जो भी ई देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होती है, इलेक्ट्रिक अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, किसी भी इंस्टेंट पर ई, उस इंस्टेंट पर जो भी बी होगा उनको डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ ईएम वेव आ जाएगा। अगर ई मैक्स है तो बी भी क्या होगा, मैक्स ही होगा। तो आपको न्यूमेरिकल में अगर ई नॉट गिवन है और बी नॉट पूछा जा रहा है तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है सी का फॉर्मूला क्या है, 1/√μ0 ε0। ऐसी वी का फॉर्मूला क्या है, 1/μ medium ε medium, क्योंकि मीडियम चेंज होने से म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ये फॉर्मूलाज के बाद हम टॉपिक करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव।